दीदी की सेवा जारी है और काफी टाइम से मेहंदी लगाई जा रही है और अभी कंटिन्यू है। यार तो भाई के घर पे, और भाई बारिश बहुत हो रही है। मैं तो जब बसते बसते बचाते बचाते बसते बसते बचाते बचाते आज भाई ये घर पहुंच गया हूँ, लेकिन तेरा भाई अभी भी भींग रहा है, लेकिन फिर भी वीडियो कैप्चर कर रहा है आप लोगों के लिए। यार तो भाई के घर पे, और भाई बारिश तो रुकने का भाई नाम नहीं ले रही है। भाई 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 भाई, भाई। ये देख सकते हैं आज मौसम भी भाई बहुत ही प्यारा है, उस दिन जैसा मौसम है जिस दिन ना शिवी दीदी का रिसेप्शन हुआ था ना। खाना पीना तो एकदम मस्त था, टेस्टी था तो। और मौसम भी भाई बहुत ही अच्छा है, और रिलेशन के जो लोग हैं भाई वो भी धीरे धीरे आते जा रहे, क्योंकि बारिश है ना जो वो धीरे धीरे हो रही है, तो धीरे धीरे होती जाएगी। मस्त मौसम का मजा ले रहे हैं हम लोग। तो अभी तो मैं अंदर जाऊंगा, देखूंगा दीदी लोग और तो भाई लोग कर क्या रहे हैं। बाकी अंदर जाने का कोई मन नहीं कर रहा, वो क्यों? वो इसलिए कि यार मौसम जो बाहर का है ना बहुत ही भरा लग रहा, तो थोड़ा मैं सोच रहा हूँ यहीं रुकूँ और उसके बाद अंदर जाएँ। पहुँच गए हैं अपने बाग में, मौसम का मस्त मजा ले रहे हैं, और मजे के साथ ना आम तोड़ लिए भाई ने। और आम तो यार बहुत ही प्यारे हैं मामा के यहाँ के, क्योंकि मौसम है ना उसी हिसाब से ना बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो भाई अभी आम ही खाया कच्चा भाई, आप लोगों के तो सोचने से भी मतलब किसी किसी के मुंह में पानी आ जाता, क्योंकि एक आम बहुत खट्टी चीज है ना, और एक मिली हुई एक आम बहुत ही लॉजिक वाले फल है ये। अब हैं शादी वाले घर में शिवी दीदी के यहाँ और आदित्य भाई के घर पे, तो अभी ले चलते हैं शिवी दीदी के पास कि आज कार्यक्रम क्या चलेगा वो आप लोगों को चल के दिखाते हैं अंदर। ये आ गए हैं घर के अंदर, और माता जी भी बैठी है मेरी, घर का इंटीरियर बहुत ही प्यारा है। ये अपनी मौसी जी बैठी है, रिलेशन के लोग भी बैठे हैं, और मस्त अंदर चलते हैं। अंदर तो यार बच्चे लोग बहुत शैतान करते, ये आ गया है खतरनाक बच्चा। मम्मी लोग अपने काम में बिजी हैं, क्योंकि काम बहुत है। कल की जो शादी है ना भाई, कल परसों की नरसों की, भाई डेट कंफर्म नहीं बताऊंगा आप लोगों को, तो उसकी तैयारी में लगे हुए हैं सब लोग। ये रही अपनी शिवी दीदी, और कैसे हो दीदी? हाय। तो आज दीदी ना पता क्या मेहंदी का काम चल रहा है, और भैया आए हैं छतरपुर से। भैया आपका नाम क्या है? आशीष राजपूत भैया का नाम है, और ये भी मेहंदी का काम ही करते हैं, ऑर्डर से काम लेते हैं। और दीदी की आप मेहंदी देख सकते हो भाई, एकदम ब्यूटीफुल है, बोलना ही पड़ेगा, और लाइक एंड कमेंट भी करने पड़ेंगे, तभी तो पता चलेगा कि मेहंदी भाई ने जो की है ना पूरी मेहनत से, तो वो कैसी है, अच्छी है कि बुरी है। और ये अभी सेटअप रेडी है, क्योंकि अभी जो यहाँ पे बच्चे लोग हैं और हम लोग हैं, सारे लोग हैं, तो उनको भी मेहंदी लगाई जाएगी। भैया लोग भी सारे लाइन में हैं, और भाई लोग भी बैठे हैं हाय। और जो छोटी गुड़िया लोग हैं वो भी अभी शादी में। अभी ये लाइट और अभी दीदी की सेवा तो ही बाकी है, और बाकी जो छोटे दोस्त लोग हैं अपने कुछ तो सो गए हैं, बाकी अभी पेंडिंग में, उनकी भी मेहंदी लगाई जाएगी। छुप रहे हैं बेचारे, लेकिन अभी बचेंगे नहीं वो। और दीदी का हो जाए पहले सेटअप कंप्लीट, उसके बाद नेक्स्ट किसी का नंबर लगेगा भाई। एक मिशन हो गया भाई कंप्लीट, जो मतलब मेहंदी का था और डांस कंपटीशन अंदर चल रहा, क्योंकि शादी में जो बच्चे लोग हैं वो भाई डांस करेंगे ना, इसके लिए वो भी रिहर्सल चल रहे हैं वहाँ पे, और मेहंदी का भी काम चल रहा है। अब चलते सेकंड मिशन के साइड, वो क्योंकि अभी बारिश हो रही है ना, और आज ना आटे की रोटी बनना है, वो मतलब जो 7-8 प्रकार का आटा होता है ना भाई, जैसे गेहूं हुआ और मतलब वगैरह वगैरह, नाम पता नहीं है, बाकी आप लोग समझ ही जाओगे, तो उसके साइड चलते हैं लेके। मामी लोग आ गई हैं, सारी लोग देखेंगी कौन कैसी बनी है, तो सभी लोग अब इसको देखेंगे। ये देख सकते गाइस कितनी प्यारी है। लोग ने ये मतलब वहां ले जाने के लिए बनानी पड़ती हैं गुजिया वगैरह, मतलब एक अलग ही स्टाइल में है। और ये देख सकती है बड़ी वाली, और इसके नीचे भी मामी दिखा रही हैं, नीचे भी है, मतलब ये अलग ही है, मतलब ये रीति रिवाज चलते हैं ना, तो उसके लिए कितनी प्यारी है ये, एक नंबर। मामी लोगों ने बनाई है मस्त। आज मौसम बहुत ही खराब है, इस वजह से टीन का सेट है वहीं पे चल रहा है कार्यक्रम, और मौसी बना रही है रोटी जो मतलब 7-8 आटा से बनती है ना, वही रोटी बनती है। तो मामी लोग हैं, सब लोग हैं, आदित्य भाई है, और रिलेशन के लोग काफ़ी लोग हैं। तो ये अपनी चूल्हे वाली रोटी है जो मैंने आप लोगों को बताया था, तो वो आप लोग देख भी सकते हैं, बट खाने को अभी नहीं मिलेगी फिलहाल, काफ़ी टाइम बाद मिलेगी आप लोगों को।
गाइस जब सात प्रकार की आटा की रोटी बनती है ना, तब इस प्रकार से कुछ गाने गाए जाते हैं, तो वो आपको ले चलते और दिखाते हैं। रोटी के साथ साथ ना भाई गाना भी गाना जाता है यहाँ पे। चलो भाई मेरा भी खाने का टाइम हो गया, तो मैं भी खाना खा लूँ, क्योंकि मामी मौसी लोग खाना भी बना ही रही हैं। मस्त रोटियाँ गरम गरम खा लूँ, क्योंकि मौसम भी भाई बहुत ही ठंडा है आज, तो मस्त खाने मज़ा आएगा और आप लोगों को भी खिलाऊँगा मैं। ओके गाइस बाय। भाई बाहर से अंदर, क्योंकि बारिश भी हो रही है और खाना भी बाहर ही पक रहा है, मतलब बन रहा है रोटी, तो अभी थोड़ी देर में थोड़ी टाइम बाद ही खाएं, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है, थोड़ा लेट ही खाना खाते हैं जी। और आज संडे का था ना सीन, तो इस वजह से थोड़ा लेट ही आए दुकान बढ़ा के, तो अभी मामा जी आएंगे फ्रेश व्रेश होके रेडी होके, फिर वो भी वही रोटी खाएंगे जो आज बनी है, सात प्रकार की आटे वाली। ठीक है मामा जी, ओके। ये अपने बच्चों का हो गया खाना रेडी, और ये आ गया है पुराना बाजार, ये भी अभी खाएगा, और सब लोग खिचड़ी इचड़ी और पुलाव वगैरह ये सारे लोग खा रहे हैं। अपना छोटा भाई स्पेशल गेस्ट, इसके लिए अंदर ही खाना आएगा भाई, क्योंकि स्पेशल है और स्पेशल ही है। आ गया हम लोगों का फाइनल खाना, तो अभी खाना खा लें, उसके बाद गाइस आप लोगों से मिलते हैं। खाना खा के तेरा भाई हो गया था रेडी, और पीछे भी अभी मामी और बुआ मौसी लोग सारे लोग अभी खाना ही बना रहे, क्योंकि गरम गरम खाते जाओ और सब लोग मस्त एंजॉय करते जाओ। तो अभी बाकी जो भैया मेहंदी वाले थे उनको मलेरा छोड़ने जाना, क्योंकि बस यहाँ से तो नहीं मिलेगी महाराजपुर से, तो मलेरा छोड़ने जा रहे थे भाई। तब तक मैं अपनी मम को छोड़ के आता हूँ वापस।